कैसे प्यार करेंगे ये पता है, बस ये देखना है कि कब प्यार करना है और किससे। लड़कियां 6 हैं, हमें से हर किसी का पाला कम से कम एक लड़की से पड़। और लड़की से पाला पड़ने को कह सकते हैं कि झंझट से पाला पड़ा। अरे हमरा तो कोई पाला ना पड़ लो भाई, और हमरा कुछ धस भी ना रह लो तुम लोग के बात। जो भी हो, हमारे पास लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। ये लड़कियां ब्रह्मांड में इतनी हैं, लेकिन एक भी मुझे घास नहीं डालती। बिल्कुल सही, हमें यह तय करना है कि हमें किस लड़की को पटाना है, ये कोई हलवा नहीं, समझे? मतलब लड़की गोरी हो या काली कोई मतलब नहीं। करेक्ट। तो शुरू करते हैं मिस यूनिवर्स से। थॉर, तुम क्या जानते हो? ये खराटे मार रहा है। ना ना, मुर्दे कभी सोते हैं क्या? कहाँ से शुरू करूँ? मिस यूनिवर्स, उसे लड़की कहना बंद करो। मिस यूनिवर्स तो सॉलिड होनी चाहिए ना। वैसी बात हो, लंबी हो, खूबसूरत हो, धड़कता हुआ बदन हो, सबसे पहले उसे लड़की कहना बंद करो। चलो कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। बहुत खूबसूरत थी, कमाल का फिगर था उसका। वाह, बहुत खास थी वो, मेरी जान थी। ये रही मेरी जान। मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था उसे। एक बार मैंने उससे कहा कि मैं अपना हाथ मेरे हाथ में दो, और फिर उसने मेरा हाथ छुड़ा के किसी और के पास भाग गई। उस दिन से वो कभी वापस नहीं आई। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। मैं उससे प्यार नहीं कर पा रहा था। और फिर मैं क्या कहूँ कि मेरा दिल टूटने के बाद प्यार से बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि मेरा दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। और प्यार से मुझे तो नफरत होने लगी है, और उससे भी। बहुत बार हम भी झेले। किसी चीज की गारंटी नहीं है यार। अरे यार, तुम बैठ जाओ, आराम करो। बस एक चीज का गारंटी है यार, प्यार मत करना किसी से। गम में कुछ कुछ खाओगे पियोगे? ये मेरे पीने का वक्त है।